गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, यानी प्रतिरोध संचय। बताता हूँ आपको सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देखो, होता क्या है प्रतिरोध, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है, यूनिट जो है वो उसकी ओम होती है, ठीक है, ओम, ठीक है। अब ये दो प्रकार क्या होते हैं कॉम्बिनेशन भी, कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, समांतर को बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब श्रेणी कौन सा होता है, समांतर कौन सा होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मैं छोटी सी बात, अब जैसे मैं ये लिखूं, ये वाला, ये वाला, और यहाँ पे मैं लगा दूं एक बैटरी, तो देखो ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2, ठीक है, R1 R2। देखो ये रेजिस्टेंस का पहला सिरा है R1 का, ये दूसरे वाला सिरा R1 का, पहला और दूसरा, ये R1 है यानी कि ये R1 और ये R2। देखो इसमें देखो ये वाला सिरा किसका, R2 का, और ये वाला सिरा R2 का। जब दोनों प्रतिरोध का अंतिम सिरा डायरेक्ट कनेक्ट हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इनमें बहने वाली धारा कितनी होती है, कितनी धारा बहेगी दोनों प्रतिरोधों के तुल्य, यानी कि आई का जो मान आएगा वाई ये कौन आर वन प्लस आर टू, यानी कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है आर इक्विवेलेंस, वो आर इक्विवेलेंस यानी कि आर इक्विवेलेंस का मतलब है कि पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध, तो आर वन प्लस आर टू इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर सीरीज होगा तो आर वन प्लस आर टू, ठीक है, ये आई होगी। पहचान हुई है कि डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए ये उसी का। अब बताता हूँ आपको पैरेलल कौन सा होता है, पैरेलल ये अब देखो ये वही R1 और ये वही R2। अब देखो R1 और R2, R1 का ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, आप तो कहोगे डायरेक्ट कनेक्ट है तो श्रेणी में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिरा तो डायरेक्ट कनेक्ट है लेकिन ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है, और उसमें श्रेणी वाले में ओनली एक डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, दोनों डायरेक्ट कनेक्ट है, इसीलिए दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंस निकाल लेगा, उसको निकालते हैं आर इक्विवेलेंस बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है, आर वन आर टू आर इक्विवेलेंस, ठीक है, इसको अभी आपको इसकी बात हूँ सर्किट सोक, ठीक है। अब इजी लेते हैं A और B के मध्य आपसे तुल्य प्रतिरोध बोले, और प्रत्येक कितने का है R का, R रेजिस्टेंस इतने का, प्रत्येक का R रेजिस्टेंस है सबका, और A और B के मध्य आपको R इक्विवेलेंस पूछने हैं। तो ये देखो ये इसका सिरा यही तो होगा, ये और ये डायरेक्ट कनेक्ट है, इसलिए दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में, यानी कि ये जो सर्किट है वो तो ऐसे नहीं बन जाएगा, ये होगा ऐसे बन जाएगा A और B।
अब ये R और R मिलके, मैंने पहले बताया था सीरीज में कैसे होता है, R1 प्लस R2, R1 का मान भी R, R2 का मान भी R, तो R R कितना हो गया 2R, ये भी 2R और ये भी 2R, 2R 2R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो 2R 2R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में क्या होता है, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, यानी कि 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2R, 1 अपॉन 2R, ये हो जाएगा देखो लघुत्तम आ गया 2R, 2R तो है 1 1 2, तो से 2 कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंस का माना जाएगा, ये 1 बटा R इक्विवेलेंस होता है, R इक्विवेलेंस का माना जाएगा ओनली R, ये जो रेजिस्टेंस है उसका प्रतिरोध होगा ओनली R, पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध R होगा। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट देख लेते हैं, से पूछ लें कि ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, A और B के मध्य अपने से पूछ ले कि इसका टोटल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रत्येक को अपन 1 ओम का मान लेते हैं, 1 ओम का, तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैं कुछ लिख रहा हूं, 1 ओम, ठीक है। अब देखो ये इसका एंड ऑफ पॉइंट, इसका एंड ऑफ पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट और ये भी डायरेक्ट कनेक्ट, यानी कि ये दोनों जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा, थोड़ा आप देखोगे तो ये वाला और ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब देखो 1 1.5 हो जाएगा, 1 1.5 ओम कैसे हो जाएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक बटा जब पैरेलल में होते हैं तो एक बटा इक्विवेलेंस बराबर 1.1 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा, जैसे 1 और ये हो जाएगा 2, यानी आर इक्विवेलेंस का मान हो जाएगा 1/2 0.5, ओके तो 0.5 ये वाला 0.5, ठीक है। ओम अप नाउ ये और ये और ये और ये, देखो इसका एंड ऑफ पॉइंट और इसका एंड ऑफ पॉइंट दोनों ये डायरेक्ट कनेक्ट है, और ये वाले जो इनके दूसरे सीरीज वो नहीं कनेक्ट है, इसलिए सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, यानी कि और ये यूं हो जाएगा बी और ये ए पॉइंट, 0.1 0.5 और 1 कितना हो जाएगा 1.5, यानी डेढ़ ओम, ये भी डेढ़ ओम, डेढ़ ओम, अब डेढ़ ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन R इक्विवेलेंस का मान आ जाएगा क्या हो जाएगा, वही देखो 1.8 प्लस 1.8 निकालो, अगर इसका मान निकालेंगे अपन, इसका मान निकालेंगे तो 1.8 LCM आ गया, only 1.5 dead ही आ गया, तो 1 1 1 plus 1, R equivalence का जो मान है वो हो जाएगा 1.5 by
टू यानी कि 0.75 ओम। इसको 75 नहीं बोलते हैं, बोल देते हैं जनरली 75 होता है, ठीक है 75 होता है उसमें, ठीक है 0.75 ओम। ओके ये हो गए आपके प्रतिरोध कॉम्बिनेशन। एक अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है कन्वर्जन बताऊंगा स्टार टू डेल्टा, और एक बताऊंगा आपको मैं व्हीटस्टोन सेतु यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज बताऊंगा मैं, एक में ये बताऊंगा आपको, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपनी रेजिस्टेंस की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, दूसरा सर्किट भी सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।